आ रहा होगा लाठी लेकर। सुस मारा तो है, आराम आराम से टुक 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 करके आ रहा होगा। कम करते लोकी को। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ रह गए थे? मैं दूर से आ रहा हूँ ना, थोड़ा सा थक गया था, सुस्ता रहा था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बुलाने का, बहुत शुक्रिया। मैडम, हम यहाँ से। अच्छा, कैमरा ऑन हो गया? अच्छा, चले ठीक है, मैं बाद में मेकअप कर लूंगी। असल में टचअप करना था ना, मेरा मेकअप खराब हो गया, स्वेटिंग बहुत हो रही है। नहीं, असल में बहुत स्वेटिंग हो रही है, गर्मी बहुत है ना, आपके स्टूडियो में एसी भी इतना काम नहीं कर रहा। आपको शोर है? अरे आपने मेरी केस दुखती रख पे रख दिया, ये बुड्ढा मेरा शोहर ही है, मेरी किस्मत तो बिल्कुल ही खराब हो गई जब से मैंने इससे शादी की है। एक दिन का एक मिनट का भी मुझे सुकून नहीं मिला। मैं हसीन जमील जवान और ये इतना बुड्ढा खूसट मेरे हवाले कर दिया, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। न रातों को सुकून, न दिन को सुकून, रातों को खांसता रहता है। टीबी फला फला, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी है। अरे साहब, इसको 50 डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन ये बुड्ढे की कब्र में टांगे लटकी हुई हैं। पता नहीं, सही नहीं होता, घर में पड़ा रहता है। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। और सिनी के तुमको बहुत असर किया हुआ है। हाँ। वो कि आपको क्या सिखाते हैं मैडम से? बेटा, कोई शिकायत दो तो एक तो बताऊं। पहले तो ये मेरी खिदमत नहीं करती और मुझसे इस उम्र में। लेकिन आप लेटे क्यों लेते? नहीं बेटा, मैं लेटा नहीं लेता, मैं तो बस आराम करता हूँ। अच्छा? लेटी तो ये रहती है, मुझे बोलती है मेरे पाँव दबाओ, मेरा सर दबाओ। खांसी क्या हो रही है? बेटा ये खांसी नहीं हो रही, मैं अपना गला साफ कर रहा हूँ। और बेटा मैं तो अभी बहुत जवान हूँ, अभी तो मैं 55 का हूँ, मैंने बहुत पैसा कमाया है, मैं तो आराम कर रहा हूँ। और ये औरत, मैं तो अभी 2 शादियाँ और करूँगा। ओ बुड्ढे, क्या बात कर रहे हो, तुम दूसरी शादी करोगे हैं? एक बीवी तो तुमसे संभाल ही नहीं जा रही, 2 बीवियां तुम कैसे संभालोगे हैं? तुम्हारे पांव तो कब्र में लटक रहे हैं, अब इस उम्र में तुम शादी करोगे? ये तो अभी सच कह रहा था। अरे ड्रामेबाज आदमी है ये, एक नंबर का है, सारा दिन टीबी मरीज की तरह खांसता रहता है, है? कुछ भी नहीं है, वो लेटा रहता है, हर वक्त लेटा रहता है, ना काम का ना काज का, पूरा दिन घर पे पड़ा रहता है मेरे सर पे, है? मैंने इससे भाई बोला कि भाई मुझे वो लेटर जो आ रहा है, क्या आ रहा है वो आईफोन है, वो मुझे दिला दे है। इतना कंजूस आदमी है, वो मुझे 4-5 हजार का वो आता नहीं है, नोकिया का, वो नोकिया का मोबाइल नहीं आता, वो मेरे मत्थे मार दिया है। ना उसमें टिकटॉक, ना उसमें इंस्टाग्राम, ना उसमें वो क्या कहते हैं, वो जो बहुत सारे
गेम्स होते हैं, बहुत नाम मुझे नहीं पता, वो इतनी सारी चीजें तो उसमें है ही नहीं, तो मुझे सड़ा हुआ मोबाइल दिला दिया इसने। खुद ही ले ली थी तो मेरे पास पैसा कहाँ है, ये देगा ना, इससे शादी मैंने किस लिए की है, है? ये मुझे देगा ना पैसा, गल के पास की होती है। मेरे पास पैसा कहाँ से आ गया है? मुझे तो मेरा शोहर देगा ना पैसा, लेकिन ये तो खुद बुढ़ा आदमी है, ये क्या देगा मुझे? बेटा मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन आप मैडम को चूंडी दिला दूँ। बेटा मैं ये मेरी खिदमत नहीं करती, मैं अब दो शादियां और करूंगा, उनसे अपनी खिदमत कराऊंगा। तो आप सारे पत्ते सपाला, तो आपकी कमर सही हो गई। बेटा आपके पास कोई चाय पानी का बंदोबस्त नहीं है? नहीं, सिर्फ दवाई है। दवाई वो तो बोलिए। बेटा इतना भी बुढ़ा नहीं मुझे दवाई की जरूरत पड़े। आपको दवाई तो पीनी होगी। बेटा थोड़ा सा मेरा भी साथ दे दो, तुम उस मैडम का ही साथ दे जा रहे हो, तुम बाईस टैंकर हो क्या? नहीं। बोलो। इसका साथ दूंगा। पानी नहीं देती। अरे झूठा आदमी है एक नंबर का। वो क्या कहते हैं, फूड पांडा उधर से मंगा के, कभी बर्गर कभी पिज्जा तो कभी लज़ानिया, तो पता नहीं कौन कौन से वो अंग्रेजी खाने मंगा के खाता रहता है बुड्ढा है। अरे इसको तो खुद चस्के लगे हुए है, हर वक्त बोलेगा तो वो जो वो फूड पांडा बोलना नहीं आता है पुड्डे को, है बोलता है वो ऑर्डर कर दे, वो जो जहाँ से तुम मंगाती हो वहाँ से वो ऑर्डर कर दे, है वो हर वक्त फोन करवाता रहेगा। कौन फोन करता है? ये हम फोन करते हैं तभी तो ये पूछता है। मोबाइल मेरे पास तो मोबाइल है ना भाई, मैं मोबाइल से तो फोन करके मंगाती हूँ, इसको देती हूँ, ये खाता है चस्के लेकर। हालांकि इसको तो परहेजी खाना खाना चाहिए, कब्र में इसके पाँव लटके में है। लेकिन तो ये कहाँ सच बोल रहे हैं भाई, झूठा आदमी है एक नंबर का, इसको समझ नहीं है, है? थोड़ी जिंदगी है, परहेजी खाना खा ले भाई, कल को मर आज को मरता है तो कल मर जाएगा भाई। तो आप उसको खाने तो नहीं देती? अरे तो भाई मंगा के देती तो हूँ उसको खाना, पर जहाँ तक खिदमत की बात है ना, तो भाई मेरी एक बात सुन लो, मैं खिदमत के लिए नहीं आई हूँ इसके लिए, है मैंने इससे शादी की है ना, तो बस मेरी वजूहत है जो मैंने शादी की है इससे, लेकिन मुझे इसमें इतना सा भी दिलचस्पी नहीं है बुड्ढे में। तो आप करती इसको जब ये फूड पांडा तो ना, तो आप खोलती नहीं? तो यही तो बुड्ढा मंगाता है सारी चीजें, मैं थोड़ी ना मंगाती हूँ, मैं तो बस वो जो आता है, क्या आता है वो जो सैंडविच आते हैं, बस मैं वही खाती हूँ, तीन चार डब्बे मंगा लेती हूँ, उसी से मेरा पेट भर जाता है, मैं इतना नहीं खाती, वो असल में डाइटिंग कर। बेटा ये झूठ बोल रही है, इसको खुद चस्के हैं, वो जो पांडा है ना उसको ये खुद फोन करती है कि हमारे लिए खाना ले आओ, मुझे तो आता ही नहीं है, मेरे पास तो बहुत पैसा है। बेटा अब मैं एक शादी और करूंगा और मेरे को आपके पास पैसे लेके आपके पांडे को पैसे देके पीछे खा ले। बेटा नहीं, मेरा परहेजी खाना है, ये पांडा से मंगाती है खाना। लेकिन तो सच कह रही है। नहीं बेटा ये सच नहीं कह रही, ये झूठ कह रही है। अब मैं शादी करूंगा और इसको अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, इसने मेरे से शादी की थी पैसों के लिए, अब मैं इसके एक पैसा नहीं दूंगा। तो उससे बोले सॉरी कर दे आपको। वो सॉरी नहीं करेगी तो मैं इसको माफ नहीं करूंगा। आप सॉरी नहीं करती।
अगर इस बुट्टी ने मुझे छोड़ दिया तो मेरे तो सारे ऐश ही खत्म हो जाएंगे। हाय मैं तो रोड पे आ जाऊंगी। हाय अल्लाह मैं क्या करूं, मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गई हैं। ठीक है इसमें बहुत खराबी है लेकिन ऐश तो मैं बहुत कर रही थी। आप दोनों लड़ाई क्यों कर रही थी? बात सुनी क्या कर लिया? अरे अरे बात सुनी क्या? ये आप चुपके से ले ली, आप मेरी इनसे प्लीज सुलह करवा दे वरना मैं रोड पे आ जाऊंगी, मैं मेरे तो सारे चस्के खत्म हो जाएंगे। आप प्लीज इनसे बोल के बोल दे कि मैं ना हर काम इनका करूंगी, इनका परहेज भी खाना भी मंगाऊंगी। सही है आप इनसे बात करें। आपने फोन कर दिया ना उनको, तो आपने माफ कर दिया उनको। ये बहुत गली बात थी, गलत। अम्मी बेबी को काम दुआ फोन नहीं करा, ये बहुत बुरी बात। अल्लाह का मेरे आस हो जाइए, माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारा परहेजी खाना भी बनाऊंगी और मैं तुम्हारा जो तुम मुझे बोलोगे पांव दबाने को सब करूंगी मैं, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ना मत, प्लीज प्लीज, वरना मैं रोड पे आ जाऊंगी। प्लीज मुझे मत छोड़ना। आपके कहने पे मैं इसको आखिरी दफा चांस दे रहा हूँ, अब मैं इसको कोई चांस नहीं दूंगा। और इससे बोलो वो पांडा से खाना ना लाए, अब सिर्फ घर में खाना मेरे लिए बनाए और मेरी खिदमत करे। मैं आप बहुत अच्छे हो। लेकिन मैं बोल दिया ओके बेटा, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का। शुक्र को कोई बात नहीं है, आपने बस को शुक्र को कोई बात नहीं है। ओके बेटा बेटा आप बहुत अच्छे हो। दोस्ती नहीं होती है, आपने पैसा पूरा पैसा कमा लिया। बल्ले बल्ले, तो मैं बच्चों के लिए चीजें लूंगा।